सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। और ओपन हो गया है। इसके लिए हम इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जाएंगे सेटिंग में। तो सेटिंग को क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद जाएंगे अकाउंट में। तो अकाउंट को क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। तो हम टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक कर लिए और यहाँ पे इनेबल लिखा है, तो इनेबल को हम क्लिक कर लेते हैं। इनेबल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 अंक का हमें एक कोड डालना पड़ेगा, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑन करते समय ये 6 अंक का कोड एक बार लगता है। तो चलिए हम 6 अंक का एक कोड क्रिएट कर लेते हैं और इस तरह से दोबारा वही कोड को डालना है जो मैंने पहले डाला। तो 6 अंक को हम दोबारा से डाल देते हैं और इसके बाद हमें ईमेल आईडी मांग रहा है, तो हम अपने ईमेल आईडी को इसमें डाल देते हैं। ईमेल आईडी को डालने के बाद सेम दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, जो कि हमने अभी पहले दिया वही ईमेल आईडी दोबारा से देना है। इस तरह से डन पे क्लिक कर देंगे और डन पे क्लिक करते ही हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया और इसे हम डन कर देंगे। तो चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं। अभी सेटिंग पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करना, बैक कर लेते हैं। और बैक एक बार और बैक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें वही 6 डिजिट पूछ रहा है जो कि हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन में डाला था। तो एक बार ही लगता है ये, उसके बाद फिर कोई भी व्हाट्सएप अगर आपका कभी भी हैक करेगा तो यही 6 पिन उसे डालना पड़ेगा, तभी वो आपका व्हाट्सएप हैक करेगा। इसके लिए एक सेटिंग को और ऑन कर लें। इसके लिए 3 डॉट में जाएँ और इसके बाद सेटिंग में जाए, और सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाए। अकाउंट में जाने के बाद सबसे ऊपर है प्राइवेसी का ऑप्शन, तो प्राइवेसी को क्लिक करें और सबसे नीचे है फिंगरप्रिंट, तो इसे आप ज़रूर इनेबल कर दें। इससे क्या होता है, अगर कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक करेगा तो अगर वो ओपन करेगा तो उसे इसी फिंगरप्रिंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे इमीडिएटली पे क्लिक कर दें। इमीडिएटली पे क्लिक करने से क्या होगा, जितनी बार आप व्हाट्सएप को बैक करोगे उतनी बार आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बैक करके दिखाते हैं। और जैसे ही बैक करेंगे, देखिए बैक करने से ये फिर हमें अब व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये हमें फिंगरप्रिंट मांगेगा, तभी ये व्हाट्सएप ओपन होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक करेगा तो उसे यही फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, तभी आपका व्हाट्सएप वो ओपन कर पाएगा। तो आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट को ज़रूर इनेबल कर दें। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।